नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। झारखंड के जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। मंगलवार को बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े जहां जिले के उलीजी थाना पुलिस के गश्ती वाहन पर तलवार से हमला कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं देर रात बेखौफ अपराधियों ने बिरसा नगर थाना क्षेत्र में खूनी खेल खेलते हुए भाजपा नेता प्रकाश यादव की गला रेत कर हत्या कर दी। प्रकाश यादव पेशे से अधिवक्ता थे। बताया जाता है कि जमीन माफिया के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी है। उधर घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रकाश यादव की हत्या उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर कर दी गई। बताया जाता है कि दोस्तों ने फोन कर उन्हें बुलाया था और बिरसा नगर हरि मंदिर के पास 7 से 8 लोगों ने कुल्हाड़ी और तलवार से हमला कर दिया, जहां उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद सभी अपराधी मौके से भागने में सफल रहे। परिजनों के अनुसार बिरसा नगर के जमीन माफिया अमूल्या कर्मकार और गौतम ने अपने साथियों के साथ मिलकर भाजपा नेता की हत्या कर दी है। अमूल्या कर्मकार विधायक सरयू राय के करीबी माने जाते हैं, जो बिरसा नगर भारतीय जन मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी बिरसा नगर थाना प्रभारी के साथ दल बल पर देर रात घटनास्थल पहुंचे। वहीं सिटी एसपी ने साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, जल्द ही सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। एक वकील साहब की एक हत्या हुई है यहाँ पे। प्राइमा फेसी जो जांच में बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कोई जमीन विवाद है, इसमें कुछ संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। जैसी बात सामने आ रही है, ऐसी बात सामने आई है कि बिरसा नगर 2 नंबर 1B में किसी ज़मीन को लेकर इन्होंने SDO साहब के यहाँ शिकायत की थी, लेकिन ये वेरीफाई अभी नहीं किया है। जी, ऐसे लोग बात बता रहे हैं, ये वेरीफाई होगा और सारी जितने भी पहलू इसमें आए हैं वो सब इन्वेस्टिगेशन में लाए जाएंगे, जिसमें एक निष्पक्ष फेयर और त्वरित गति से कार्रवाई। बताया जा रहा है कि दिवंगत भाजपा नेता ने जमीन माफियाओं के खिलाफ SDO से शिकायत की थी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। दिन भर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।